टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सैटरडे है, तो आज होगी थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जिनको भी सोच कर, जो भी व्यक्ति ये रीडिंग देखेगा या देखेगी, जिसको भी सोच कर देखेगा और जब भी देखेगा, उसके पर्सन की एनर्जी में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। क्या खुश हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, क्या सोच रहे हैं? क्या उस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को? पूछ के लिए मैंने कार्ड्स ताकि आपको वही बता पाऊं जो एंजल्स बताना चाहते हैं। कौन कौन है थर्ड पार्टी पहले ये बता देती हूँ। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कपल है, किंग ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, या किसी अदर पर्सन के साथ अफेयर में हैं, या आपके साथ अफेयर है और किसी और की भी एंट्री हो गई है। किसी भी तरह का लव ट्रायंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेकंड, काफ़ी लोगों के लाइफ में लव ट्रायंगल नहीं है, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, ट्रू लव करते हैं, लेकिन यहाँ कपल उनके पेरेंट्स या उनके भैया भाभी या उनके घर में कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है या हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में, बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में एज गैप है थर्ड पार्टी, या तो आप एज में बड़े हैं उनसे, या वो एज में बड़े हैं आपसे या बड़ी हैं आपसे, कुछ इस तरह की थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लाइफ में पेज का मतलब बच्चा है, तो कुछ लोगों के लाइफ में बच्चे हो सकता है ये वजह क्रिएट कर रहे हैं कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, या तो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं सकते, प्यार आपसे करते हैं बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते नहीं आ सकते। तो ऐसी भी सिचुएशंस कई लोगों के लाइफ में मौजूद है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, नो थर्ड पार्टी इज़ देयर, बट आपके पर्सन थोड़े से डरपोक हैं, उन्हें डर लगता है, नहीं बात कर सकते पेरेंट्स से, या नहीं बात कर पा रहे हैं, या चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। चाहें तो सब कर सकते हैं बट एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, और इन चीज़ों से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 5 से 10% ऐसे भी लोग हैं जिनके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्लेयर वाला गेम खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपके पर्सन आपको। ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टीज निकल कर आई हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी है, या हैप्पी फैमिली है, या लव केमिस्ट्री है। जब मैंने एंजल से पूछा कि क्या आपके पर्सन खुश हैं या उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, तो बाहर निकलने का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ये मूवमेंट की एनर्जी है, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्या आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये चाहते तो हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या रीज़न है? डिसीजन लेने में टाइम लगा रहे हैं, चैरियट की एनर्जी है, निकल जाना चाहते हैं, पर जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत डोमिनेटिंग है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। क्या इस कंट्रोल से बाहर आएंगे, क्या ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी? यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है और यहाँ पर द स्टार है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन इमोशनल हैं आपको लेकर, मैरिज भी आपके साथ करना चाहते हैं, एक्शन भी आपके लिए लेना चाहते हैं, ऐसा इनकी विश है।
या अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, बट सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी इनके लाइफ में अथॉरिटी फिगर हैं, पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, उनको हर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या आपको पोस्टपोन कर रहे हैं, थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ा और समय चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। क्या मेरे व्यूवर्स की विश पूरी होगी? खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस सिचुएशन में टावर मोमेंट आएगा, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं इसमें आपके पर्सन भी खुश नहीं हैं, ये पर्सन भी बहुत जल्द एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसे अटके नहीं रहना चाहते। तो गाइस, इस डेक से मैंने काफ़ी एनर्जीज़ आपके लिए पूछ के ले ली हैं। अभी मैं एक बार आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखूंगी कि आपकी तरफ अगला कदम आपके पर्सन का क्या हो सकता है, इस रिश्ते में इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, स्पेशली इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, वाइस वर्सा। क्या आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट होंगे? यहाँ से होप का कार्ड है, यहाँ से स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, और यहाँ से चैरियट है विद द स्पिरिचुअल यूनियन एंड हारमोनी। गजब की वाइब्रेशन है गाइस। तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ हैं। यहाँ से क्या आया है, थर्ड पार्टी जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जो भी इनको स्ट्रेस दे रही है, उन सिचुएशन से आपके पर्सन मूव ऑन कर लेंगे। इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, साथ ही साथ ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। आपको होपफुल रहना है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी इशू है तो ये वहाँ पर स्टैंड लेंगे, अगर कोई अदर सिचुएशन है वहाँ पर स्टैंड लेंगे। आपके पर्सन देखिए, वहाँ पर भी डिसीजन का कार्ड था चैरियट, यहाँ पर भी डिसीजन का कार्ड है, इन्हीं के हाथ में है डिसीजन लेना। जब ये ले लें, यूनियन की वाइब्रेशन है। मैंने पूछा कि क्या यूनियन होगा, द आंसर कम्स इज येस। नंबर इज 2 2 2 2 2, यहाँ पर वाइब्रेशन है, यहाँ पर है 7 7, और यहाँ पर है 3 3, एंड वी हैव गॉट 6 6। दीज आर द एंजल नंबर्स वी हैव गॉट। तो आप में से बहुत सारे लोगों का अगर यूनियन होने वाला है तो आपको बहुत ज़्यादा 144 666, आपको बहुत ज़्यादा 911 ये नंबर नज़र आएंगे, 222। अगर आपके लाइफ से थर्ड पार्टी एंड होने वाली है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 888 नज़र आ सकता है, 333 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, 777 अगर नज़र आता है तो आप समझ लें कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, उनको डिवाइन की तरफ से कुछ पास्ट लाइफ एक्टिवेशंस हो रहे हैं और वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अब एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।